दुनिया भर में कई धर्म हैं जिनके अपने अपने रीति रिवाज हैं और त्यौहार हैं। हिंदू धर्म में 18,654 रीति रिवाज हैं और 159 तीज त्यौहार हैं। इनमें से एक है शीतला सप्तमी, जो होली के 7वें दिन मनाई जाती है। इस साल ही 17 मार्च को मनाई जाएगी। हर धर्म में जो भी तीज त्यौहार मनाते हैं उनका वैज्ञानिक महत्व भी रहता है। इसी तरह इस दिन भी ठंडा भोजन खाने का रिवाज है। इस दिन कोई भी गर्म वस्तु, चाय, धूम्रपान तक वर्जित रहता है। महिलाएं शीतला सप्तमी से पहले रात में भोजन बनाकर रख लेती हैं और अगले दिन शाम तक इसी भोजन को परोसती हैं। कुछ चतुर महिलाएं सुबह, दोपहर और शाम का भोजन अलग अलग बनाकर रख लेती हैं ताकि एक ही खाने से बोरियत ना हो। 1968 में अमेरिकी रिपोर्ट में सामने आया कि जर्मनी में एक शोध संस्थान में शीतला सप्तमी के भोजन का एब्स्ट्रैक्ट निकाला गया है तो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन तैयार हो गया था। तमाम वैज्ञानिक भारतीय भोजन की उत्कृष्ट उपयोगिता के लिए आश्चर्यचकित थे। बाद में 2002 में जब शीतला सप्तमी के भोजन के एक एक व्यंजन पर काम किया तो चार चीज़ें पकड़ में आई, जिसमें चावल, गुड़, दही और रात में भीगी हुई चने की दाल शामिल है। शीतला सप्तमी के भोजन में मुख्यतः पूरी, सब्जी, दाल, चावल, गुलगुले, भजिए, गुड़ या गन्ने के रस में पकाया हुआ चावल, दही और चने की भीगी हुई दाल जिसे पकाया नहीं जाता, कच्ची खाई जाती है। माना जाता है कि होली के बाद सप्तमी तिथि को गुड़ में पका चावल, एक कटोरी दही तथा एक कटोरी चने की भीगी दाल, इन तीनों को मिलाकर खा लिया जाए तो 24 घंटे तक आपके पेट में कोई भी गर्म पेय अथवा खाद्य पदार्थ न जा पाए तो ऐसे विशिष्ट बैक्टीरिया का उत्पादन हो जाता है जो एंटीबॉडीज का काम करते हैं। पूरे साल भर आप सभी तरह के हानिकारक वायरस से सुरक्षित हो जाते हैं। आपको किसी भी प्रकार का चर्म रोग, लीवर, किडनी इन्फेक्शन नहीं होता। दावे से तो नहीं कहा जा सकता, पर कोरोना वायरस से बचने का एक विकल्प शीतला सप्तमी भी हो सकता है, इसलिए एक दिन ठंडा भोजन किया जा सकता है। ऐसा करने से कोई अनर्थ नहीं हो जाएगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।